वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नू सबसक्राइब कर लो, जेकर वीडियो वधिया लगेगी तो इस नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। कई नौजवान बच्चे शब्द की मंग करते हैं कि असीं विदेश जाना चाहते हैं, जां कई नौकरी की प्राप्ति दे लई और कई नौकरी दे विच तरक्की दे लई अते कई मेरियां भैणां धन की प्राप्ति दे लई शब्द की मंग करते हैं। ता अपनी अज दी वीडियो इसी विषय ते आ। मैं तुहानू तुहाडी कामयाबी दे लई एक शब्द जरूर दसांगी, पर उस तो पहला मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां करनियां चाहुंदी आ। ते इस दे लई नौजवान बच्चे अते मेरियां भैणां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नू अंत तक अते बड़े ध्यान नाल सुनना। ते आओ अज दी वीडियो शुरू करदे आ। साडी सब तो माड़ी आदत आ कि असीं चंगा सुणदे नहीं आ, चंगा देखते नहीं हाँ, पर फिर भी साढ़े उत्ते उस चंगे का असर क्यों नहीं होंदा? क्योंकि असी एक कन सुनिया दूजे कन कढ दिता। असी उस चंगे सुने या वेखे नूं अपनी जिंदगी विच लागू नहीं करदे। जिस दिन भी आपां किसी चंगी चीज नूं देख के जां सुन के उस नूं सिखण दी रुचि बना लई, उस दिन सानूं कामयाब होण तों कोई नहीं रोक सकदा। अते सिखणा हरेक खेत्र विच जरूरी है, चाहे आपां कोई काम कार शुरू करना होवे, घर परिवार होवे, घर परिवार की कोई जिम्मेवारी होवे, जां वाहिगुरु जी दी प्राप्ति। जिवें आपां कई वार किसी वेले इंसान नूं किसी काम करने की सलाह दिने कि तू कोई काम कर ला, तो अगो जवाब हुंदा कि मैनूं कुछ समझ ही नहीं लगदी कि मैं की काम करा। तो जे आपां अगो कहने कि चल तू फलाना काम कर ला, तो फिर अगो जवाब हुंदा कि मैनूं ये काम आउंदा ही नहीं। तो देखो जे आउंदा नहीं तो सिखो। जिन्ना समा आपां अपने वेले होण दी चिंता करदे आ कि मैं की करांगा, किंज करांगा, मेरी किस्मत कदों खुलेगी, जे ये सारा समा आपां कुछ सिखण विच लगा दईए तां एक महीने दे अंदर अंदर आपां कोई भी अपना काम कार शुरू कर सकदे आ। आपां जदों भी कोई चंगा सुणदे आ जां देखदे आ, एक बार अपने मन विच जरूर हुंदा कि मैं भी इंज करांगा, पर आपां की कहिंदे आ आपां भी कल तों शुरुआत करांगे, पर कल कदे नहीं हुंदा। जो करना है अज करो। अपनी बेरोजगारी जां अपनी पैसे की कमी नूं लैके चिंता ना करिया करो, इस कमी नूं दूर करन दी विचार करिया करो। आपां कर सब कुछ सकदे आ, पर आपां करदे नहीं। सानूं लगदा कि असीं सब कुछ सोच-सोच के फिकरां करके बदल लवांगे, पर नहीं, कुछ बदलन लई सानूं कुछ करना पैणा है। इह गल अपने सब तों ढुकदी आ। जे घर साडा है, परिवार साडा है, तो जिम्मेवारियां भी अपनियां सांझियां ने, ते इन्हां जिम्मेवारियां नूं निभाउणा भी साडे सब दे लई जरूरी है। इस लई मेरियां भैणां ने, आपां दिन विच जो भी वाधू समां है इंज वेला ना बिताओ। वेला मन शैतान दा घर हुंदा है। जे कोई काम कर आउंदा है तो उस नूं करना शुरू कर दो, पर जे तुहानूं लगदा कि कोई काम तुसीं करना तां चाहुंदे हो भाव की रुचि या करन दी पर करना नहीं आउंदा, ते तुसीं उस काम नूं सिखना शुरू कर दो। आपां अज तों भी सिखना शुरू करांगे, एक दो महीनियां दे विच आराम नाल सिख जावांगे अते असीं अपने सिखे हुए काम नूं अपना कारोबार बना लवांगे। जो असीं अपना कोई भी काम कार करांगे तो साडा आत्मविश्वास वधेगा। कोई भी काम छोटा जां वड्डा नहीं हुंदा, वड्डी जां छोटी अपनी सोच हुंदी है। किसी ने बड़ा सोहना लिखिया है कि वड्डा नौकर बनन दे नालों छोटा मालक बनना चंगा है। इसलिए जे तुहानूं कोई नौकरी नहीं मिली तो कोई भी अपना काम कार शुरू करो, कोई काम कार सीखो अते उसनूं अपना बिजनेस बनाओ। अजकल तां कई अजिहियां चीजां ने जो तुसीं घर बैठे बैठे आराम नाल कर सकदे हो अते इंटरनैट दी सहायता दे नाल सीख भी सकदे हो। हुण इह बहाना लगाउणा कि मेरे कोल समा नहीं है सीखण दा जां कि मैनूं दूर जाणा पैंदा है, इह वी नहीं चलणा। इह सब तुसीं घर बैठे बिठाए सीख सकदे हो, बिजनेस कर सकदे हो। बस कुछ भी करन दी मन विच चाह होणी चाहीदी है। इस लई सब तों पहला कम कि अपने मन विच इह जज्बा बणाओ कि मैं कुछ करना है। फिर अपनी काबिलियत नूं पछाणो, अपने आप दे अंदर झात मारो कि मेरे अंदर की गुण है, मैं किस काम नूं चंगी तरह कर सकदा हां, किस काम विच मैनूं कामयाबी हासिल हो सकदी है। फिर अपने गुण अपनी काबिलियत नूं निखारन दे लई मेहनत करो। कोई भी काम छोटा जां वड्डा नहीं, जे अपनी सोच अते मेहनत दे सिर दे उत्ते इक छोटे किते नूं वड्डे कारोबार विच बदल सकदे हां। कहिंदे हुनर होना चाहीदा है, परमात्मा वल्लों बख्शे सोहणे शरीर अते दिमाग दी सही वरतों करनी सिखो। इस लई जिस नूं काम दी जरूरत आ, भाव कि कोई माड़ा समां चल रहा है, पैसे की कमी है, तो तुहानूं काम दी सख्त जरूरत आ,
पर कोई काम सुलझ नहीं रहा। कोई काम कार शुरू करो, जे काम नहीं आता काम सीखना शुरू कर दो। जे तुहाडे दिन वधिया ने भाव कि तुहाडा गुजारा वधिया चल रहा है, तुहानू काम की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी सीखते रहो। क्योंकि पता नहीं होंगे कि केड़ी चीज की कदों जरूरत पै जाए, इसलिए अपने वालों तैयारी पूरी रखो। औरतां जो पढ़िया लिखिया ने वो अपनी काबिलियत के अनुसार कोई भी काम कार कर सकदियां ने, पर जो घट पढ़िया लिखिया ने जो बिल्कुल ही नहीं पढ़िया वह भी कोई काम कार सीख सकदियां ने। जिस तरह सिलाई कढ़ाई, जे किसी ने वधिया खाना बनाउणा आउंदा है तो शहरां दे विच टिफिन तैयार किए जाते हैं। जो हुनर अपने कोल आ, जो ज्ञान साडे कोल आ, वो असी दूसरिया नूं भी दे सकदे आ। जो पढ़िया लिखिया औरतां ने अते अपने बच्चों की जिम्मेवारी कारण, अपने घर परिवार की जिम्मेवारी कारण बाहर काम नहीं कर सकदियां, तो घर विच बैठे बिठाए बच्चों नूं ट्यूशन पढ़ा सकदियां ने। कई मेरिया भैणां सिलाई के काम नूं छोटा समझदियां ने, पर मैं समझदी हाँ कि सिलाई का काम या सिलाई का बिजनेस शुरू करना सब तो आसान आ। इस विच पैसे की भी कोई बहुती जरूरत नहीं पैंदी, पर हाँ इस विच मेहनत की बहुत जरूरत है। मेरी माता जी ने मेरे पिता जी के जाने तो बाद साड़ी पढ़ाई लिखाई साडे सारे खर्चे घर परिवार का सारा खर्चा सिलाई दे सिरों कढ़िया। सानू कदे भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दित्ती। सवेरे उठदिया सियार जो मशीन दे उत्ते बैठदे अते रात नूं 10-11 बजे तक बस यही काम करना, अते अपने इस सिलाई दे काम नूं अपना बिजनेस बनाया, अते अपने इस सिलाई दे काम नाल अपने समाज विच अपने रिश्तेदारां विच सिर उच्चा करके अपनियां जिम्मेवारियां निभाईयां। छोटी तो लैके वड्डी तो वड्डी जिम्मेवारी भी साडी माता ने अपनी सियाणप अते मेहनत दे नाल निभाई। और एक गल होर कि एक रुपए का कर्जा नहीं चढ़न दिता, थोड़ा खा लिया होगा पर कभी भी किसी तो मंगिया नहीं। मेहनत करन दा ये जज्बा उन्हां दी आदत बन गई। अज भी 48 साल दे हो गए पर मेरे माता जी अज भी 10-11 बजे तक सिलाई करदे आ। असीं सब कहिंदे आ कि हुण इह काम छड्ड दो, पर मेरी माता ने अपनी मेहनत नूं अपनी आदत दे नाल नाल अपनी जिम्मेवारी भी बना लिया। वो कहिंदे आ कि जे अज मेरियां जरूरतां पूरियां हो गईआं इसदा मतलब इह नहीं कि मैं अपने दिन भुल जावां, अपने ग्राहक भुल जावां जिन्होंने माड़े समय दे विच मेरा साथ दिता अते मैनूं मौका दिता। इह गल मैं तुहानूं तां दस्सी कि मेहनत करन विच कोई शर्म नहीं। जो कहिंदे आ ना कि असीं विदेश जाणा, ओह मेरे विदेश विच बैठे भैण भरावां नूं पुछो कि सारा दिन सिर खुरकण दा वेल नहीं मिलदा, रोटी खाण लई वी 10-15 मिंट दी ब्रेक मिलदी आ। सानूं तां सिर्फ उहनां दे डालर दिखाई दिंदे आ, उहनां दी मेहनत नहीं दिसदी। जो वी विदेशां विच जाणा चाहुंदे आ पहलां इत्थे मेहनत करनी सिखो, क्योंकि चाहे देश हो चाहे परदेश मुल सिर्फ मेहनत का पैंदा है। कई बार कई बच्चे जो मैंने कहने कि सानू कोई पाठ दसो या शब्द दसो ताजे असीं बाहर जा सकीए, साडा विदेश का वीजा लग जाए, तो जो उन्होंने कहीदा कि अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठ के नित नियम करिया करो कि अपनी सारिया खुशियां की चाबी अमृत वेला है, तो कहणगे कि अमृत वेले नहीं उठाया जाता, आलस बहुत घेरा पाउंदा है। तो फिर मैं हसदी हुंदी कि फिर विदेश के सुपने लैने भी बंद कर दो, क्योंकि जे आपां बाहर जाना है विदेश में जाके काम करना है तो फिर अपने भैन भरावां नूं पुछो जिहड़े विदेशां विच बैठे आ कि उत्थे आलसी बंदे का कोई काम नहीं, उत्थे दिन रात एक बराबर। जे तुसीं समय की कदर नहीं करदे, तुसीं मेहनती नहीं, तां तुसीं फिर चाहे जिथे मर्जी जिहड़े मर्जी कोने विच चले जाओ, तुहाडी निराशा तुहाडी नाकामयाबी ने तुहाडा साथ कदे नहीं छड्डना। ते जे तुसीं मेहनती हो उद्यमी हो तो तुसीं इत्थे रह के भी अपनी जिंदगी विच कामयाब सफल हो सकते हो। इसलिए साडी कामयाबी का शब्द सिर्फ इको है अते वो है मेहनत। मेहनत सानू करनी पैनी है, साडी कीती हुई मेहनत ने ही साडा बेड़ा पार लंघाउणा है। इसलिए हाथ ते हाथ रख के ना बैठो, मेहनत करनी सीखो, चुनौतियां दे नाल लड़ना सीखो, अपनियां मुश्किलां अपनियां चुनौतियां दे अगे हिम्मत ना हारो। सफलता चाहे सानू किसी भी खेत्र विच चाहीदी होवे, मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत के नाल नाल सीखण दी रुचि दा होना भी बहुत लाजमी है। जे असीं चंगी सेहत चाहुंदे आ तां वी अपने शरीर तों सख्त मेहनत करवाउणा सीखो, क्योंकि आलसी शरीर निकम्मा हो जांदा है अते रोगां दा घर बन जांदा है। जे असीं किसे कारोबार विच सफलता चाहुंदे आ तां पहलां उस काम दी जानकारी इकट्ठी करो,
ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਓ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਝੱਟ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।